मोटो 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 G24 फाइनली 30 जनवरी को इंडिया मार्केट में लॉन्च हो जाएगा। यहाँ पे आपको दो रैम वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे, दो कलर ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, हालांकि वो ब्लू ही होने वाले हैं, एक लाइट ब्लू और एक डार्क ब्लू। वैसे डिजाइन की बात करें तो यहाँ पे आपको बैक साइड में एक प्लेन मेड टाइप की डिजाइन देखने को मिलेगी, जैसे कि मोटो के और भी जी सीरीज के स्मार्टफोन्स के अंदर पहले हमें देखने को मिली थी। फ्रंट साइड में अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आपको एक पंच होल डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पे आपको 6.56 इंच का एक HD प्लस 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। यस, यहाँ पे आपको फुल HD नहीं बल्कि HD डिस्प्ले ही देखने को मिलेगा, हालांकि वहाँ पे रिफ्रेश रेट जो है वो 90 हर्ट्ज का देखने को मिल जाएगा। प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पे आपको MediaTek का G85 वाला प्रोसेसर यूज किया गया है। कैमरा डिपार्टमेंट की बात करें तो यहाँ पे आपको ड्यूल कैमरा का सेटअप देखने को मिलेगा, 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, इसके अलावा 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर देखने को मिलेगा। हालांकि यहाँ पे आप लोग बुके इफेक्ट से भी फोटोज क्लिक कर सकते हो। सेल्फी की बात करें तो यहाँ पे आपको 16 मेगापिक्सल का रेजोल्यूशन वाला सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा। एक और नोट करने वाली बात यह है कि ये जिस कैटेगरी के अंदर अपना स्मार्टफोन लॉन्च करने वाले हैं मोटो G24, वहाँ पे हमें 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है, हालांकि यहाँ पे आपको रेजोल्यूशन डबल देखने को मिलेगा। बैटरी डिपार्टमेंट की बात करें, 6000 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिलेगी, 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग भी देखने को मिल जाएगी। इतना ही नहीं, यहाँ पे आपको साइड फिंगरप्रिंट सेंसर तो देखने को मिलेगा ही, साथ में IP52 की रेटिंग तो देखने को मिलेगी, साथ में ड्यूल डॉल्बी स्पीकर्स भी देखने को मिल जाएंगे। और क्योंकि जनवरी 2024 आ चुका है, इस वजह से यहाँ पे आपको एंड्रॉयड 14 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलेगा। सॉफ्टवेयर अपडेट्स की बात करें तो यहाँ पे एक OS अपडेट मिलेगा, यानी कि एंड्रॉयड 15 मिलेगा, और 3 ईयर का सिक्योरिटी पैच अपडेट्स भी मिलेंगे। अब प्राइस की बात कर लेते हैं। वैसे 9,500-10,000 रुपए में आज के टाइम पे 5G फोन ऑलरेडी हमें देखने को मिल चुके हैं, ऑफर के अंदर ये 9,000 में भी आपको आराम से मिल जाता है। सो मोटो G24 विथ HD प्लस डिस्प्ले, MediaTek G85 प्रोसेसर, किस पर्टिकुलर प्राइस रेंज के अंदर आपके हिसाब से लॉन्च होना चाहिए हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएगा। मेरे हिसाब से कुछ चीज़ें इसके अंदर वैल्यू एड करती है, जैसे कि बड़ी बैटरी की साइज, 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग। वीडियो अच्छा लगा हो तो फटाफट से टेक देखियो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इसको लोग बहुत मेहनत से आप सभी के लिए कुछ वीडियोस बनाए, जाके चेकआउट कर लीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। दिस इज विवेक साइनिंग ऑफ।